चाचा हिसाब तो निकालो कितने बना दिए। ये जिम्मी कैसी बातें कर दी तूने, कितने बना दी? जो तूने लिया है वही लिखा है, ये ले खुद चेक कर ले। अब नाराज क्यों हो रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा बताओ कितने हो गए? बड़ा शरारती चाचा पे शक भी करता है और साथ साथ मजाक भी उड़ाता है। अभी ये ले हो गया टोटल 754.60 रुपए बने। चल 60 पैसे रहने दे। 60 पैसे छोड़ के एहसान कर रहे हो तुम है? ये लो अपने पूरे पैसे, ये लो 200 का बैलेंस भेज दो, उसका पैकेट भी दे दो और ये पैसे हिसाब में रख लो अपने। अली एक का पैकेट दो। अबे ये तो बता इतने पैसे कहाँ से कमाए? अब तुम मोबाइल में बैलेंस भेजो, तुम्हें बड़ी फिक्र लग गई काम की है। अरे यार ऐसे ही पूछ रहा था, सारे दिन तो उधर आवारा फिरता है और हफ्ते हफ्ते भर गायब भी रहता है। तुम्हें बड़ी फिक्र लग जाती होगी कि जिमी तो गया हमारे पैसे लेके, है ना? अरे नहीं यार, ऐसा सोचता तो मैं तुझे उधार ही क्यों देता। हाँ ये तो सही कह रहे हो, चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और बैलेंस भेज देना यहाँ से। अपना मोबाइल चेक कर, भेजा है बैलेंस मैंने। हाँ आ गया चाचा, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ओ चाचा क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी में हो, क्या हो रहा है आजकल? हाँ भाई नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा हूँ, और क्या हो रहा है? नहीं नहीं अबे तेरी टिप टॉप देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुझे काम की जरूरत है। सारे जमाने को हमारे काम की बड़ी फिक्र है, हैं? ऐसा है तो लगा दो स्टील मिल में कहीं तुम। ठीक है तूने कह दिया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तू ऐसा कर के मिल ले मुझसे किसी वक्त। हाँ हाँ चलो अभी देर हो रही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके चाचा, ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। चल चल जिम्मी जा। ये ले मेरा बादशाह, इसके बड़े बत्ते लगते हैं यार। मेरे पास ये दुग्गी है, वो भी रंग की नहीं। यार मेरे तो ये समझ में नहीं आता, कहीं हाथ की सफाई तो नहीं दिखाता, हर बार जीत के जाता है। इसमें हाथ नहीं दिमाग की जरूरत होती है जो तुम में से किसी के पास नहीं है। ला शाबाश बेटा, माल लेगा। तू करता क्या है यार? अबे करना क्या है, बत्ते तो इसी के हैं। अबे ओ तू अपनी बकवास बंद रख, तेरे सामने नई गड्डी खोली ना ताश की मैंने, तो तुझे खेलना नहीं आता तो रोना शुरू कर देता है। भाई लकी आदमी है ये। नहीं यार हर बार लकी। अबे ओ तेरा मतलब क्या है बे? मतलब मास्टर है भाई तू। ये बताओ और खेलना है क्या निकलूं मैं? नहीं भाई अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अबे तू तो सिगरेट के पैसे भी ले गया। अबे तो मांग लेना, हर बार ही मांगता है तू। ये ले रख 500 रुपए। भी मेरी तरफ से इतनी सस्ती सिगरेट पीता है तू, कुछ देर और पीना तो निकल लेगा। मैं जीतूंगा किससे मैं? और हाँ सारे पैसों की सिगरेट मत पी लेना, सबकी कोल्ड ड्रिंक है मेरी तरफ से ये। अबे दोस्त समझ के बोल दिया और तू इतनी बात कर रहा है, ले वापस ले ले। अबे रख ले, नाराज क्यों हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो फिर मैं निकलूँ। बात सुन जिगर, तू उस्ताद है पत्तों में, चल कोई मिलके बड़ा गेम खेलते हैं। अबे छोटा बड़ा क्या बे, खेल तो खेले। चल बताता हूँ फिर। चल ठीक है, चलो यार निकलूँ मैं फिर। अबे नाराज क्यों हो रहा भाई? अबे नहीं दादा कैसी बात कर दी, खेल में तो हर चीज चलती ही रहती है। सर अच्छा एक काम करो, वो अंसारी मर्डर केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। और जरा जल्दी। जी सर। जिम्मी इधर। सलाम वालेकुम चाचा, क्या हो गया, खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम। अब भाई आजकल कहाँ गायब है? कहाँ जाना है यार, यहीं कहीं घूम रहे हैं। तुम बताओ सब ठीक है ना? देखो हिसाब की बात अभी मत करना यार। अरे नहीं यार कुछ पता चला? आप बताओगे तो पता चलेगा ना। अरे यार वो अंसारी साहब। कौन? वो जो दुकान में मिले थे तुम्हारी? नहीं यार उनके कजन हाफिज अंसारी साहब, जिनकी मार्केट में प्रिंटिंग की दुकान है। हाँ वो जो बूढ़े से, खैरियत तो है, क्या हो गया उनको? अरे यार उनकी दुकान पर डकैती पड़ी और उन बेचारों गोली मार दी। डकैती पड़ गई? अब बच तो गए ना वो। अरे कहाँ बचे, बेचारे वहीं ढेर हो गए। भला बताओ उनसे किसी की क्या दुश्मनी, प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में डकैती, यार कुछ समझ में नहीं आई। हाँ यार ये बात तो सच कह रहे हो चाचा तुम, भला प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से किसी को क्या मिलेगा यार, तुम्हारी दुकान पर मारते तो बात थी यार, बड़ा माल दबा रखा तुमने दुकान। बकवास ना कर, तू पड़वाएगा डाका मेरी दुकान में।
इतना गुस्सा क्यों रो? ये बताओ कातिल पकड़े गए? कहाँ पकड़े जाते हैं कातिल? सुना है वो अपने शेख साहब है ना, वो तफ्तीश के दायरे में आ गए, उनसे पूछ गछ चल रही है। चलो चाचा बाद में मिलेंगे, ठीक है? चल ठीक है, पैसों की फिक्र मत करना तुम। सर हाफिज सईद अंसारी की फाइल सर। थैंक यू सर। अच्छा उन लड़कों के बारे में कुछ मजीद पता चला? मेरा मतलब है कोई नई खबर? सर अभी तक तो नहीं, मगर कुछ लोगों से तफ्तीश जारी है। इंक्वायरी का दायरा बढ़ाओ राशिद, मेरे एरिया में दिन दिहाड़े कत्ल और डकैती हुई है। सर वैसे आपका क्या ख्याल है इस डकैती के बारे में? कोई बेवकूफ़ इस पर यकीन नहीं करेगा, एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर डकैती, वो भी सुबह सुबह। ये कोई और ही चक्कर है, कोई उनको वॉच कर रहा था। ये सीधा साधा मर्डर का केस है। जी सर मैं भी यही सोच रहा था, हाफिज साहब की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और पिछले 30 साल से वो वहीं थे और लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। यही तो मसला है, वो इतनी मसरूफ़ जगह पर अपना छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हुए। सर तो फिर कारोबारी दुश्मनी हो भी सकता है। अच्छा तुमने वो दूसरे प्रिंटिंग प्रेस वाले को बुलाया था जो हाफिज साहब की पिछली गली में? जी सर सोहेल हसन वो आया हुआ है सर। तो इतना लेट क्यों बता रहे हो यार, जाओ भेजो उनको। जी सर। सोहेल साहब आप हाफिज शरीफ अंसारी साहब को जानते थे? जी जी मैं जानता था, 5 साल पहले जब मैंने कारोबार शुरू किया था उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी और बहुत ही अच्छे और शरीफ आदमी थे। पर हमने तो सुना था कि आपने उनको कोई ऑफर की थी, आप उनका बिजनेस खरीदने का इरादा रखते थे। जी बिल्कुल, हाफिज साहब ने एक मरतबा रिटायर होने की बात की थी तो मैंने बिल्कुल ये ऑफ़र की थी। आपने उन्हें ऑफ़र की और उन्होंने मना कर दिया, और आपने? देखिए जी उनका बिजनेस, उन्होंने ऑफ़र नहीं मानी उनकी मर्ज़ी, और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कत्ल किया है या करवाया है। सर मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ सर। सोहेल साहब आखिर उस जगह में ऐसी क्या बात है कि आपने मार्केट से बढ़कर ऑफ़र किए? देखिए जी मैं जानता था इनको कई ऑफ़र हुई थी जो कि इन्होंने मुझे खुद बताया था, और ज़ाहरी बात है मैं कम की ऑफ़र करता तो ये चांस मेरे हाथ से चला जाता। और सर वैसे भी उस जगह की मार्केट दिन ब दिन बढ़ रही है, ये बात सब मार्केट में जानते हैं। अच्छा ठीक है सोहेल साहब आप जा सकते हैं, मगर ये कि कोई नई बात पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और शहर छोड़ने से पहले आप मुझे ज़रूर इत्तला कराएंगे। ओके सर। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब पिछली मुलाकात के लिए माजरत चाहता हूँ, घर में ताजियत करने वालों का हुजूम लगा हुआ था तो क्या कर सकते थे? जी जी इश्तियाक साहब मैं समझ सकता हूँ, अब तो आपसे बात हो सकती है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर तरह के तआवुन के लिए तैयार हूँ। वैसे ये बताइए कि कातिलों का कुछ पता चला? नहीं फिलहाल तो नहीं, मगर बहुत जल्द आपको कोई खबर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं। जी पूछिए। हाफिज साहब का किसी से कोई झगड़ा, कोई तल्ख कलामी या कोई ऐसी बात? नहीं जी वो तो अल्लाह वाले बंदे थे, वो तो जनाब किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे, क्या करें लूटने वाले जाते जाते चला गए गोली। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते? क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था, उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं नहीं समझता कि पैसे के लिए कोई झगड़ा हो सकता था उनका, बुजुर्ग इंसान थे, आखिर उनको कोई क्यों कत्ल करता? ये आजकल के नौजवान गुस्से से भरे रहते हैं, बात बात पे गोली चला देते हैं। आपके अलावा उनका कोई वाली वारिस या कोई रिश्तेदार? नहीं जी बस जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, भाभी के कुछ रिश्तेदार हैं इंडिया में लेकिन उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो बस ये समझ लें कि यहाँ मैं हूँ और कोई नहीं। कोई कर्ज वगैरह के चक्कर? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। पर हमें उनकी बेगम के जरिए पता चला था कि आपने हाफिज साहब से काफ़ी बड़ी रकम उधार ले रखी थी, जिसका मरने से पहले उन्होंने आपसे तकाजा भी किया था। हाँ मगर वो तो घर की बात है, मैं इस मामले को बीच में लाना नहीं चाहता था। खैर अब अगर भाभी ने बता दिया है तो ठीक है, मैंने उनसे कुछ रकम ली थी। अब देखे ना इंस्पेक्टर साहब, ज़रूरत के वक्त इंसान अपनों से ही कुछ ना कुछ लेता है ना, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं उनको वो पैसे लौटा दूंगा। इश्तियाक साहब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कितनी रकम ली थी? अभी ने आपको ये बताया है तो ये भी बता दिया होगा,
खैर, अगर आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यही को 13 लाख रुपए थे। फरीद बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब आए हुए, मैं इनसे कुछ बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बस दे दें। हाँ हाँ, अपनी अम्मी से ले लो, साहब ये मेरा बेटा है। क्या बताऊँ साहब, इन लोगों के खर्चे ही पूरे नहीं होते किसी तरीके से। वो अम्मी ने आपके पास ही तो भेजे। एक मिनट। हाँ बोल। अभी तो वहाँ वेट करना, आ रहा हूँ। अब जल्दी से पैसे दे दें, मैंने गिराज से गाड़ी उठाने जानी। फरीद, मैंने तुमसे कहा है कि जाओ इस वक्त, बाद में बात करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, जिस दिन हाफिज साहब का कत्ल हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? मैं लाहौर में था, एक दिन पहले ही लाहौर गया था, वहाँ मेरी बेटी रहती है अपने शौहर के साथ। इश्तियाक साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सुन ले इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई के कातिलों को जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। बहुत जल्द देखेंगे आप इंशाल्लाह। दोनों बाप बेटे पे नजर रखो। ओके सर। हाँ भाई जिम्मी, पैसे नहीं लगा रहा आज? नहीं यार, आज पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है, अपनी ताश की गड्डी नहीं है। पैसे की क्यों फिक्र करता है जानी, पैसे मुझसे ले ले, जब वो दे देना, मांगूंगा नहीं। नहीं यार, मैं किसी के पैसों से जुआ नहीं खेलता। चल भाई तेरी मर्जी यार, मेरी तरफ से तो ऑफर है, अगर चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, जब चाहिए होंगे तुझे बता दूंगा। अब शायद देख के पुलिस तो नहीं आ गई। अबे ये कहाँ आ गया? कौन है? अबे फरीद है। पास कभी पैसे नहीं होते मगर नशे भी नहीं रुकते। भाई थोड़ा माल मिलेगा? वो देख प्यारे, तेरे पर पहले ही बड़ा उधार है, पहले वो चुका दे, बाद में लेना फिर। भाई बहुत माल हाथ लगने वाला है, सब एक ही दफ़ा चुका दूंगा। तो बड़ा माल कहाँ से हाथ लगने वाला है? हाफिज साहब तब तेरे नाम कर गए क्या? भाई ऐसे ही कुछ समझ लो, सब पूरा कर दूंगा और आगे से सब नकद। अच्छा प्यारे, आखिरी बार दे रहा हूँ। हाँ भाई प्लीज़, एक पुड़िया दे दे इसे। भाई दो दे दो ना, बड़ा प्यासा है यार, दो दे दे। और देख भाग ना जाना। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? चल। अब वो मेरे पैसे कहाँ हैं? ओए ये क्या बेच रहा है, तूने इसके भी देने? और जिम्मी ये कौन सा धंधा शुरू कर दिया तूने? नहीं यार, वो दूसरे पैसे हैं। अरे तुझे कहा था ना अब्बू से बात की तो है मैंने। बात किया क्या तूने अब्बू से? बे देख, मुझे इसी हफ्ते चाहिए मेरे पैसे। समझ गया हूँ, उंगली नीचे कर। जिम्मी ये पैसों का क्या चक्कर है जानी? नहीं यार, वो दूसरे पैसे हैं, देने इसको, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा वाला धंधा नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा। क्यों परेशान हो रहे मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। अबे सही कह रहा है, हम साथ हैं ना तेरे, क्यों टेंशन ले रहा है? अबे यार तुम लोग नहीं समझते, एक तो मेरा बाप पता नहीं कैसे कारोबार करता है, इतना उधार तो हमने लोगों से लेना नहीं है जितना देना है, और ऊपर से इस जिम्मी का बच्चा मुझे बार बार कॉल करके पैसों का तकाजा कर रहा है। बोल तो जिम्मी का बंदोबस्त कर दें। लगता तो कुछ ऐसा है कि इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, बुला लो उसे यहाँ। अबे बुला, यहीं ढेर कर देंगे। बुला, संभालोगे ना तुम लोग? कैसी बात कर दी तूने, आने दे, वैसे ही बहुत दिनों से हाथ नहीं चले। हाँ जिमी, कहाँ है? अबे हाँ, तेरे पैसों का बंदोबस्त हो गया, जल्दी आ जाया। अबे तू आ तो सही, इसे पता ही नहीं है कि हमने यहाँ क्या बंदोबस्त कर रखा है। हाँ भाई,
आजकल किससे पैसे वसूल करने जा रहे हो? अरे यार चाचा, हैं कुछ लोग, पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें नहीं पता था कि तूने पैसे लेने का काम शुरू कर दिया। अरे नहीं चाचा, गलत सोच रहे हो तुम, ऐसी बात नहीं है, उधारी के पैसे दे ही नहीं रहे लोग। अच्छा, मैं तो समझो तूने हवाले का काम शुरू कर दिया है। ओ जिम्मी, ये ले ताश की गड्डी। क्या रिपोर्ट है सर? हाफिज साहब के मर्डर में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो हमें मिल गई है। दैट्स गुड। जी सर, गाड़ी डिफेंस से उठाई गई थी और किसी जमशेद के नाम से रजिस्टर है। चोरी की रिपोर्ट उसी दिन डिफेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई थी और उसकी कॉपी हमें मौसूल हो गई। अच्छा, कोई नई बात, मेरा मतलब है कोई चीज़ मिली गाड़ी से? जी सर, गाड़ी में से एक ताश की गड्डी मिली है जो हमने अपनी तहवील में ले ली। ताश की गड्डी? अच्छा, लाओ ज़रा देखें। सर मैं अभी लाया। सर ये गड्डी सर बिल्कुल नई है, इसके फिंगरप्रिंट हमने ले लिए हैं, इसकी रिपोर्ट अभी हमें मौसूल नहीं। नहीं लगती जरूर है, पर है नहीं। लगती तो बिल्कुल नहीं है। ये देखो, इस पर ब्लेड से कोई निशान लगा है, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। सर इसका क्या फ़ायदा, ये निशान तो नज़र भी नहीं आ रहा। इन सब कार्ड्स के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई निशान ज़रूर लगा हुआ है। वो किस लिए सर? वो इसलिए कि ये किसी आम ज्वारी के पत्ते नहीं हैं, ये किसी माहिर ज्वारी के पत्ते हैं। उसने इन तमाम कार्ड्स के ऊपर कोई ना कोई निशान लगा कर इसे दोबारा पैक कर दिया, ताकि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ओ, ताकि उसे पता रहे बाकी औरों के पास कौन से पत्ते हैं। ये लो, इसे दोबारा पैक कर दो और पता कराओ कि ये कहाँ से ख़रीदी गई है, और ये भी पता कराओ कि हमारे एरिया में ऐसा कौन सा ग्रेट गैम्बलर आ गया जिसके बारे में हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर मैं पता करता हूँ उस ग्रेट गैम्बलर। पता करता हूँ क्या मतलब है? मतलब सर मैं हाजिर करता हूँ। आ गया, बड़ा सयाना बनता था ना अपने आप में। देखते हैं कितना दम है इसमें। चल जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम ही तो कम है मेरे पास। क्या मतलब तेरा? मतलब ही तो समझाना है तुझे। ये बात है, यही समझ। देख मेरे करीब मत आना, देख मैं मार दूंगा, ये ना फेंक दिया मैंने। टाइम नहीं है मेरे पास, जिंदा कर दूंगा तुझे मैं यहाँ पर। पिस्टल निकालो मेरी गाड़ी से। उन्हें क्या बोल रहे? निकाल जाकर पिस्तौल। अपने बाप से बोल देना दो दिन में पैसे चाहिए, वरना समझता ना क्या कर सकता हूं मैं। तुझे जिंदा कर दूंगा। तुम दोनों जाके चूड़ियां पहन लो, अपने आप को दोष दिया दो मेरा। हमें क्या बोल रहे? तूने भी तो कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो, आज के बाद मुझे मत मिलना। ठीक हो? अबे ऐसा नहीं कर भाई, अबे रुक जा। अबे हम कैसे घर जाएंगे? अबे रुक जा यार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत छोड़ो, ये बताओ यहाँ से किसी ने 2-3 हफ्ते पहले ताश खरीदी? यहाँ से या कहीं और से? ये तो बड़ा मशहूर ब्रांड है, सब जगह मिलता है।
चचा तुम्हारी दुकान पे कतारें तो लगी हुई नहीं है, जो तुम्हें याद नहीं आ रहा पिछले पूरे महीने में कितने गाहक आए होंगे ये ताज खरीदने के लिए? ज़्यादा तो नहीं, पर ये याद नहीं कि कौन कौन आया। ये क्या हरकत है? अभी पता चल जाएगा। उठाओ चचा को, ले चलो थाने। चचा की याददाश्त चेक करनी है। ये क्या बदतमीजी है? मेरा कसूर क्या है? कसूर नहीं है तो हो जाएगा अगर तुमने सच नहीं बोला, नहीं तो। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। वो जिम्मी, पर मेरा मत बताना, आपसे दरख्वास्त है सर। घबराओ नहीं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है ये। जिम्मी रहता कहाँ है, उसका अता पता या फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? बस जी कुछ नहीं पता, महीने में कभी कभी आता है, हम तो नाम भी दूसरों के मुंह से सुनते हैं उसका। बड़ी तेज़ हो गई है तुम्हारी याददाश्त। अच्छा ये बताओ जिम्मी दिखने में कैसा लगता है? स्मार्ट है, लंबा है, बॉडी बिल्डर है। अच्छा ठीक है, मैं फिर आऊँगा। चलो सर, ताज की गड्डी वाले का पता चल गया है लेकिन अभी उसकी तलाश जा रही है। गुड, कौन है वो? सर कोई जिमी नाम का लड़का है। तब तक पता क्यों नहीं चला? सर उसके घर का पता चल गया है मगर वो घर पे नहीं है। हमने पुलिस वाले इसलिए नहीं भेजे ताकि कहीं उसे पता ना चल जाए और वो भाग जाए। गुड राशिद, तुमने बहुत समझदारी का काम किया। वैसे वो जा कहाँ सकता है? कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है? सर मेरा नहीं ख्याल कि उसे पता चल गया होगा, लेकिन हमने दो जुओं के अड्डे पे छापा मारा है लेकिन वहाँ मुझे नहीं मिला। तो अब क्या करना है? सर आज एक और जगह छापा मारना है, इलियास के अड्डे। इलियास, ये नाम कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। ये इलियास पप्पू तो नहीं? सर पहले वो चर्च के केस में अंदर हुआ था, अब सुनने में आया है कि वो जुए का अड्डा चला रहा है और जुमे को वहाँ बड़ी गेम होती है। देखो राशिद, इस केस को मैं खुद ऑपरेट करूँगा। जी सर, जो हुक्म सर आपका, मैं अपनी टीम तैयार रखूँगा। आप मुझे इजाज़त दें सर। पर हाँ सुनो, तुम्हें मिस्टर इश्तियाक और फरीद पर नज़र रखने को कहा, तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। वो वहाँ अभी तक खामोशी है मगर फरीद का पता किया है, वो नशे का आदी है, उसने अपने घर वालों के नाक में दम किया हुआ है। सर वो हमने जानबूझकर उस पे से हाथ उठाया हुआ है, बस हाफिज़ साहब के केस से फारिग होती है उसको भी सीधा कर देंगे। और कुछ सर? नो थैंक्स। ओके सर, वेल डन राशिद। थैंक यू सर। भाई ये फरीद फिर आ गया। आने दे यार। जिमी तो याद में नहीं छोड़ूंगा। दिमाग खराब हो गया तेरा, ये क्या करने लगा है? इलियास भाई आप बीच में मत पड़ो, ये मेरा और जिमी का मामला है। पहले कसर रह गई थी, अभी तेरे त्यौहार ठीक करता हूँ मैं। जिमी रुक जा, आखिर ये मामला क्या है? देख ये मेरी जगह है, यह गोली नहीं चलेगी। पहले धुलाई की थी, अभी और करनी है इसकी धुलाई मुझे। जिमी को लेके आया तू? कोई फायर नहीं करेगा, गन नीचे फेंक। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा गन नीचे फेंक। गिरफ्तार कर लो इन सबको। सर फरीद और शाहिद को हॉस्पिटल भेज दिया है, बाकी तो जुआरी बचे हैं जिमी और इलियास। ठीक, चलो देखते हैं ये जिमी चीज़ क्या है। जी सर। चलो
पहचानता है? किसके हैं ये पत्ते? सर ये मेरे पत्ते हैं, मगर मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। कत्ल तूने नहीं किया तो वारदात वाली रात को गाड़ी में क्या कर रहा था? चल उसको भी छोड़, ये बता कौन सा पत्ता है? सर ये पान की दुग्गी। और ये? सर ये ईंट का देला। अच्छा चलिए बता ये कौन सा पत्ता है? सर ये पान की पंजी। मान लिया जी भी तुझे, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पर ये बता कत्ल क्यों किया तूने? सर मैंने कत्ल नहीं किया। झूठ झूठ बोल रहा है तू। अगर तूने कत्ल नहीं किया तो वहां क्या कर रहा था तू? हाफिज साहब ने पत्ते खेलने बुलाया था तुझे। ये कौन से कत्ल की बात हो रही है? मुझे तो कुछ नहीं पता। इधर आ, तुझे बोलने का कहा बीच में? बोलने का कहा तुझे बीच में? तेरी बारी भी आएगी, जब तुझे बोलने का कहा जाए तब बोलना। हाँ भाई बोल। सर मेरा यकीन करें, ये तो नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। सच ये है कि मैं वहाँ गया था। हाँ हाँ बोल। सर वैसे तो कत्ल में इश्तियाक अहमद की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। पूरी फैमिली से क्या मुराद है तेरी? जी हाँ सर, पूरी फैमिली। अफजाल चाचा की दुकान पर मुझे इश्तियाक अहमद मिले थे, उन्होंने मुझे काम की ऑफर भी की थी और कहा था कि मुझसे आके मिलना। सर एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया, सर ये जुओ के काम से मैं भी बहुत तंग आ चुका था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि घर पर आ जाओ, और सर फिर दो दिन बाद जो है मैं उनके घर चला गया। आओ जिमी आओ, बैठो बैठो। ये बताओ क्या लोगे, ठंडा या गर्म? तो कुछ भी मंगवा लें आप। बेगम जरा जिम्मी के लिए चाय तो बनवाओ। हाँ भाई जिम्मी, ये बताओ कि क्या कर सकते हो? कोई भी काम हो सर, काम तो काम होता है। होता है, लेकिन देखो हल्के काम के पैसे भी हल्के होते हैं, जो भारी काम होता है ना उसके पैसे भी भारी होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी समझ गया आपकी बात। अच्छा ये बताओ कत्ल कर लोगे? सर क्या कह रहे हैं आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं काम के मामले में मजाक नहीं करता। बोलो कर सकते हो या नहीं? सर मैं तो समझा कोई काम होगा, मेरा मतलब है कि काम तो काम होता है जिम्मी, ये बताओ कि करोगे या नहीं? नहीं सर कत्ल नहीं कर सकता मैं, और ना ही मैंने कभी कोई ऐसा काम किया है। सॉरी सर मैं चलता हूँ। 5 लाख बहुत होते हैं जिम्मी, और वो भी सिर्फ एक गोली चलाने के। सारी जिंदगी भी पैसे जमा करोगे तो इतने पैसे जमा नहीं कर सकोगे। ठीक है बाद में कोई कारोबार कर लेना, मगर मारना किसको है? अरे अपने हाफिज साहब को और किसको? बैठो बैठ जाओ। अरे भाई बैठो। मगर अगर मगर को छोड़ो और काम की बात करो। ये रखो ये पूरे 50,000 हैं, ये अलग है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और दूंगा काम खत्म होने के बाद। ठीक है अब्बू, मैं तो कहता हूँ चचा के साथ साथ चची को भी। हाँ ये सही कहता है। अरे सारे फिसाद की जड़ी वो ये, हर हफ्ते फोन कर देती है पैसे भेज दो पैसे भेज दो। अरे मैं तो कहती हूँ एक ही दफा में दोनों का काम कर दो, जान छूटेगी। खामोश रहो तुम दोनों, तुम दोनों की वजह से ही मैं इस कर्ज की दलदल में फंसा हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे जेल भेज के ही चैन लोगे तुम लोग। मुझे बात करने दो। हाँ बोलो जिमी क्या कहते हो? ठीक है सर आपका काम हो जाएगा। गुड। और मैंने सोचा जब इनके अपने हैं इन्हें फिक्र नहीं है तो फिर मैं फिक्र क्यों करूँ? और सर इतनी बड़ी रकम मैंने कभी सोची भी नहीं थी। सर सारी फैमिली को ले आऊं? हाँ इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करे पूरी फैमिली को ले आऊं। जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम सर। उनको ला के मेरे ऑफिस में बिठाओ। चल भाई आगे बोल। और फिर सर उन्होंने पूरी तफसील बताई,
उन्होंने दिन और वक्त सब तय कर रखा था। प्लान यह था कि वारदात वाले दिन हम एक गाड़ी चोरी करेंगे और फरीद हमारे साथ शामिल होगा। शायद को तो मैंने 25,000 रुपये दे के काम में शामिल किया था, पर उसका काम सिर्फ गाड़ी चुराना और चलाना था, बाकी अंदर तो मैंने और फरीद ने जाना था। और फिर वो दिन भी आ गया। हाँ शायद, क्या हुआ? हाँ गाड़ी तो उठा ली, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। ठीक है, पर जरा ध्यान से और पुलिस से बच के आना, ओके? हाँ हाँ सही। अबे जिमी आजा, आजा यार। यार जिमी खुली पड़ी थी गाड़ी, खुदा की कसम। और ये बड़े लोग भी देख कितने लापरवाह होते हैं यार, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ऐसी खुली छोड़ के चले जाते हैं। अबे बावले, ये महंगी गाड़ी सिर्फ हमारे लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं। हाँ यार ये बात तो तू सही कह रहा है। और देख आगे से फरीद को उठाना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तेरा काम सिर्फ इतना है कि गाड़ी में बैठ के आसपास का ध्यान रखना, जरा भी खतरा लगे पता ना क्या करना। अरे हाँ यार, तू कितनी बार बताएगा, पका दिया तूने। मुझे हॉर्न देना है, गाड़ी स्टार्ट ही रखनी है, और जैसे तुम लोग आओ तुम्हें बिठा के वहाँ से रफू चक्कर हो जाना है। अबे आगे देख क्या कर रहा है यार, ध्यान कहाँ है तेरा? अबे तू इतनी टेंशन क्यों लेता है यार, तू बेफिक्र हो जा। अरे यार जिंदगी में पहली बार इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अबे सब ठीक हो जाएगा, तू क्यों इतनी टेंशन लेता है? क्यों टेंशन की तो बात है यार, तो बात सुन, किसी को बताया तो नहीं ना? अबे नहीं नहीं ना, कैसी बातें कर रहा है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? इलियास को भी नहीं बताया ना? अरे नहीं ना भाई, बोले तो कसम दे दूं। अच्छा अच्छा रोक रोक, वो देख आगे फरीद खड़ा है, गाड़ी साइड में लगा। अबे भाई लगाता हूँ। आ जल्दी अंदर बैठ, आ जा जल्दी बैठ। ये ले गन, और देख एक ही चांस मिलेगा और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और हाँ इसे समझा दिया था ना? अबे हाँ यार तू तो खामोश बैठ। तेरे बाप की गाड़ी नहीं चोरी की गाड़ी है, कार्रवाई करने के बाद छोड़नी है, अगर पुलिस के आ तो कुछ भी लगा ना तो गए लंबे अंदर हम। अरे हाँ हाँ नहीं बीता, काम के मामले में बड़ा प्रोफेशनल हो गया तू, इधर दे। कौन हो तुम लोग, ये सब क्या कर रहे हो? देखो मेरी बात सुनो। जिमी गोली मार, गन हटा लो, गन सब निकाल इधर, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, पर इसको तो हटाओ। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो मैं। हाँ मैं, पर ये बताने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। तुम तो पर तुम भी बकौल तेरे तेरी बेगुनाही का एक ही गवाह था जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। कहानी बहुत अच्छी है जिमी, मगर इसका फैसला अदालत करेगी। और अगर तूने कत्ल नहीं भी किया है तब भी तू लंबे अरसे के लिए जेल गया। मुझे पता है सर, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सर सर मैं तो बेगुनाह हूँ सर, सर मेरा तो कोई कसूर नहीं है सर। वाह मेरे मासूम चिंदा, तू बेगुनाह है। वो जुए और ड्रग्स का अड्डा कौन चला रहा था? मैं भुगता। चले देखो इनको। तुम लोगों के लालच ने कई जिंदगियां और कई घर बर्बाद कर दिए हैं, जिनमें से एक तुम्हारा अपना घर है।
सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ हैं। मगर हम लोग तो बेगुनाह हैं सब। अब अपनी बेगुनाही अदालत में जाके साबित करना। राशिद, इनका बयान लो और चार्जशीट अदालत में पेश करो। अगर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिली ना तो मुझे अफसोस रहेगा। लेके जाओ उनको।